तो जैसे उन आदमियों के ऊपर में व्यवसाय करते समय पूरा का पूरा हाजिरी बनाते रहते हो, तुम्हें भी परमात्मा ने ये 11 लोगों को सेवा के लिए दिया था। पर कमाल है, जिनको सेवा के लिए दिया था वो मालिक बन बैठे और तुम महाराज नौकरों की तरह गिड़गिड़ा रहे हो, दासों की तरह गिड़गिड़ा रहे हो, तकलीफ में हो, यहां भाग रहे हो, वहां भाग रहे हो, उनके पास जा रहे हो, उनके पास जा रहे हो, नंबरे लगा रहे हो, हमारा कैसे मंगल होगा, हमारा ये कैसे ठीक होगा। अरे कोई नहीं कर सकता, क्या कोई विधि के विधान को बदल देगा, परमात्मा के ऊपर पहुंच जाएगा, कैसे बदलेगा। तुम लोभी हो इसलिए तुम्हारे लोभ को कैश करना बहुत आसान है। धर्म को धंधा बनते देरी नहीं लगती, धर्म को धंधा बना करके प्रयोग करने में देरी नहीं लगती। अगर जीवन में लोभ हो, केवल वासनाएं हो, आकांक्षाएं हो, सरकार 5 सालों में तुम्हारे धन को दुगना करे और कोई आके कहे हम तो रात ही भर में कर देंगे, सब गहना अपना दे दो, जितने भी तुम्हारे नाक कान के नथिया फथिया हैं हमको दे दो। आज देखो सप्तम दिवस है, माता हम भी आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, अपनों सारो गहना ले आओ, कल हम डबल कर देंगे। और रात में फिर ये कल बाबा ये मिलेगो ना ही फिर, हाँ पासपोर्ट है हमारे पास, सीधा लंदन नजर आएंगे हम, ढूंढते रह जाओगे। तो जब सरकार 5 वर्षों में कर रही है, व्यापारी दिन रात मेहनत करके तब जाकर उसको दुगना बना पा रहा है, तुम स्वयं समझते हो कि पैसों को बनाने के लिए कितनी परिश्रम जीवन में करनी पड़ती है दाल रोटी कमाने के लिए, और कोई आकर तुम्हें कह देता है रात भर में दुगना कर देंगे और तुम जादू के फेर में पड़ के और फिर लेके भाग जाए तो कह बाबा पाखंडी निकलो। अरे तुम महालोभी हो, तुमसे बड़ा लोभी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। और लोभियों और कामियों का हश्र भी यही होना चाहिए, तुम धार्मिक नहीं हो। धर्म का अर्थ यह है कृष्ण का आग्रह हो, कृष्ण का लोभ हो, उस परम पिता को जानने की इच्छा हो, अपने वृत्तियों को नियंत्रित करके सतपथ और धर्म पथ पर चलते हुए स्वयं आनंदित रहते हुए लोगों के बीच आनंद वितरण करने का काम प्रत्येक धार्मिक मनुष्य का पहला कर्तव्य है। पर आपका पूरा जीवन लोभ के ऊपर निर्भर है तो बाबा तो बाद में पाखंडी होगा। राम मिलाए जोड़ी, सोना ले लेके दुगना करने आए अंधे लोग, अब बाबा लेके फरार है वो कोड़ी। अब बताओ, तो ये तुम्हारे लोभ ही तुमको मारते हैं, तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें रुलाती है, तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें बंधन में डालती है। तुम व्यर्थ ही लोगों के ऊपर आरोप लगाते चल रहे हो, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेता। घर में कुछ भी बिगड़ जाए कारण वो नहीं रहेगा, कारण कोई और होगा। उसकी तबीयत खराब हो जाए, हम मर गए काम करते करते, न सुबह सो सकते हैं न रात को सो सकते हैं, हमको जानवर बना दिया है लोगों ने, हमें बीमार पड़ गए हम, वो अपने भी बीमार होने का कारण स्वयं को नहीं मानता। भैया इतने तो ईमानदार बन जाओ, भगवान ने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम, हर आदमी अपने ही कर्मों का फल भोगता है। भागवत की शुरुआत हो रही है एक गैया और बैल के चर्चा से, बाद से एक पांव का बैल और एक गैया, दोनों में चर्चा हो रही है, धर्म और पृथ्वी के बीच चर्चा हो रही है। यही तो भागवत का प्रारंभ है। तो धर्म क्या कहते हैं नंदी भैया? कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति को दुख उसके अपने कर्म देते हैं। और इतनी छोटी सी बात अगर इस भागवत के पंडाल से सीख कर चले गए तो मैं फिर जरूर कह सकता हूं भाड़ में जाए दुनिया हम बजाएंगे हारमोनियम, फिर हमारा हारमोनियम बढ़िया बजता रहेगा, तुम सुखी रहोगे, तुम आनंदित रहोगे। लेकिन जब तक डिपेंडेंट रहोगे, जब तक ब्लेम का गेम खेलते रहोगे, द गेम ऑफ ब्लेम,
तहां फिर वो डंडा लेकर के बकरे की तरह तैयार रहो। एक राजा को एक बकरा हदो, आप तो सब जाने, तो बकरा दिन भर कचर 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 खाई जाए। बकरी तो ऐसे ही भी खाती रहती है दिन भर महाराज, रात भर। तो राजा ने घोषणा करके रखा था कि हमारे बकरे का जो पेट भर देगा उसको आधा राज्य दे देंगे। और बहुत बढ़िया, लोग आते बकरे को ले जाते, दो दिन तक रखते, खिला पिला के लाते, और बकरा जैसे ही राजा के पास आता फिर कछु दिखाता, फिर खाने लगता। तो महाराज उसको कछु को फांसी हो जाती, कछु को जेल हो जातो, बहुत लोग परेशान। फिर एक दिन एक बाबा जी आए लुटिया लेकर के, महाराज लंगोटी पहन के, बोला राजा ये बकरा हमें दे दे, हम पेट भर देंगे। बोला बड़े बड़े धन्ना सेठ पेट नहीं भर भाई, खुद लंगोटी पहन के आया है, भीख मांग को खा भे, हमारो बकरा को पेट भरेगो तू, कहां से भरेगो। बोला तू दे तो एक बार, लोग दो दिना में नहीं भरते, हम एक दिना में भर के ले आएंगे। बोला छो, दो दिना में राजा महाराजा नहीं भर पाए, बड़े बड़े धनवान नगर सेठ नहीं भर पाए, अब तू भर देगो। बोला हम भर देंगे। ले गयो बकरा को महाराज, बांध दियो एक जगह पर, और बढ़िया बढ़िया हरा हरा घास और खूब सुंदर चना रख दियो। और जो ही बकरा खावे को चिंता करे, एक हाथ में ऐसे चना देवे खावे को और दाहिने हाथ में एक लठिया राखे, जो ही खावे पार से मुंह पे छन्न करके बकरा पीछे आवे। एक बार दो बार 24 घंटे तक सूट तो ही रहा, दे डंडा दे डंडा दे डंडा। अब तो बकरा चना देखे तो डंडा देखे, पहले चना देखे फिर डंडा देखे। जब 24 घंटे के बाद आयो तो बकरा ऐसे है गयो। बड़ा बड़े बड़े लोग ले गए, महाराज हमारो बकरा ऐसे हो तो ऐसो करके लाते, और ये हमारे ऐसे बकरे को ऐसा करके लाया और कह रहा पेट भर गया। बोला हाँ राजा पेट भर गया। बोला छो अभी टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। सही राजा ने ऐसे करके चना दिखायो बकरा को, बकरा को तो महाराज जीभते पानी आएगो, चना ना ही छोटे छोटे रसगुल्ला दिख रहे हैं वाको, या इतने सुंदर रसगुल्ला, यही मुंह आगे ले जाएगो। और सही दाहिने हाथ में डंडा को ऐसे चमकायो, देख बेटा हो बकरा देखो, बोलो बाप रे बाप, ये खावे तो बचेंगे नहीं, लेकिन एक डंडा पड़ गयो तो गोविंदाए नमो नमः महाराज, 24 घंटे से पिटी रहे हैं। सो बकरा पीछे हट गया। राजा बोला बा भैया बड़े बड़े सेठ पेट न भर पाए, आपने कैसे भर दिया। कहा भैया सुनो, ये सत्संग और गुरुबानी के डंडे से अपने इंद्रियों को बार बार पीटते रहोगे, चेक करते रहोगे, तो इस मन रूपी बकरे का पेट भर जाएगा। राधा रमन इसमें समा जाएंगे, दाऊजी महाराज समा जाएंगे। यही एक उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। दमन इसी को कहते हैं, लेकिन ये साधारण दमन है, इतना तो करना पड़ेगा तुमको, रोज हाजिरी तो लेनी पड़ेगी, पूछनी तो पड़ेगी। ठाकुर जी ने इतना बढ़िया सेवक दिया है आपको, आप हाजिरी भी नहीं लेते। दुकान में 5-5 नौकर हैं, 7-7 नौकर हैं, अगर हाजिरी नहीं लोगे, उन पर निगाह नहीं रखोगे तो आना जाना बंद कर देंगे, टंडेली करना शुरू कर देंगे, पान खा के घूमना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे तुम्हारे दुकान का भट्ठा बैठ जाएगा महाराज।